आई एम सो I have my मॉम एंड my डैड हु आई एम एक्सट्रीमली क्लोज टू जब मैं रो देती हूँ तो मैं हल्की हो जाती हूँ फिर मैं आराम से सोच सकती हूँ कि अच्छा ये अब सिचुएशन है इसके साथ कैसे डील करेंगे लेकिन कभी कभी ये स्पेस नहीं होती है कि आप रो तो आप शांत हो जाते हो कि ये सिचुएशन है इसके साथ डील करना है आप खुशी खुशी डील कर सकते हो या आप दुखी दुखी डील कर सकते हो एंड आई हैव ऑलवेज टोजन खुशी क्योंकि छोटी सी जिंदगी है तो ना दुख लेके कहाँ जाएंगे ना दुख साथ आएगा ना सुख साथ आएगा जो है फिलहाल है तो मैं फिलहाल पे कॉन्सेंट्रेट करके गुड आज तो कम से कम सुखी हो जाऊँ कल का कल देखने देख लेंगे

शायद ये सारा रियलाइजेशन आपको तभी होता है जब आप उस एक उम्र तक पहुंच जाते हो जब आप okay. ये इनफ समय किसी भी चीज़ के साथ बिता लेते हो बट आई थिंक दैट क्रेडिट विल हैव टू गो टू माई पेरेंट्स एंड द रेस्ट माई फैमिली स्ट्रक्चर कि जिन्होंने ये बहुत जल्दी शुरू शुरू में ही नोटिस कर लिया कि किसी एक चीज़ कि जिसकी ओर इसका खिंचाव बहुत ज़्यादा है देन दैट इज़ म्यूज़िक कभी म्यूजिक बजता था तो मैं शांत हो जाती थी सुनने लगती थी ध्यान देने लगती थी दिस इज थिंग्स आई किस उम्र की बात होगी ये लगभग महीने महीने ही थे बट आपके पेरेंट्स अवेयर थे एंड हाँ uh -huh. जैसे जैसे समय चलता गया वैसे वैसे बच्चे जो कुछ ना कुछ तो सिखाते हैं खास करके बॉन दॉट टेक्नोलॉजी सो इट वॉज ऑल अबाउट आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है आप क्या सीख सकते हो क्रिएटिवली चाहे वो स्विमिंग क्लासेस हो या बैडमिंटन हो या क्राफ्ट एंड म्यूजिक जो बेसिक चीज इन डांस तो सबसे ज्यादा आई थिंक आई वॉज रिस्पॉन्डिंग टू म्यूजिक एंड उसकी वजह से म्यूजिक का मेरे जिंदगी में होना बढ़ने लगा एंड क्लासेस में फिर ओ, जाने लगी पे किस उम्र में जाने लगे थे फोर एंड हाफ में ऑलरेडी क्लासेस में जा रहा हां वो मना कर रहे थे कि ये बहुत छोटी है इसको लिखना नहीं आता इसको कैसे सिखाएंगे हम बट माय मॉम वाज परसिस्टेंट कि नहीं उसको बैठेगी आप उसको बिठाओ क्या बात है तो शी वाज वेरी परसिस्टेंट एंड इवेंचुअली आप गा पा रहे थे साढ़े चार की उम्र में बड़ी आराम से आई फर्स्ट आई थिंक आई परफॉर्मड ऑन स्टेज घर के फंक्शन मैं भी यंगर मेरा बच्चा अभी साढ़े चार का है अभी पांच का होगा मार्च में वो तो अभी जस्ट बोलना सीखा है प्रॉपरली अभी भी, भी पूरी तरीके से बोलता नहीं वो कुछ और करेगा अपने हिसाब का <laughs> गाना सबके लिए ज़रूरी नहीं है मतलब ये भी एक सरस्वती का गिफ़्ट है मतलब you have that जी. gift right yeah I very firmly believe that all of us have a purpose to be on the planet and बहुत अ धरती के इतने बिलियंस ऑफ व्यूअर्स से धरती है एंड ह्यूमंस आर स्पेक ऑफ डस्ट एंड इतना ज़्यादा अगर नहीं सोचेंगे और बस अभी हम हैं जितने भी हैं हमारी सोच तो फिर भी काम करती है राइट वी आर अ लिटिल बिट मोर इन एनिमल्स वीट इवॉल्यूशन टू यूज एंड एट दिस पॉइंट जो मुझे सबसे बेस्ट आता है वो मैं दुनिया को देना चाहती हूँ मैं खुशी दे पाती हूँ खुशी महसूस कर पाती हूँ खुद तो कर लेते हैं मैं पहले सीख थी, धीरे-धीरे सीखते-सीखते फिर वो वो सीखने का जो था वो कम पड़ने लगा ज्यादा सीखने की जरूरत दिखने okay. लगी महसूस होने लगी तो फिर सीखना भी बढ़ा एंड जैसे वो बढ़ा वैसे परफॉर्मेंसेस भी बढ़े जैसे छोटे छोटे कॉम्पिटिशन होते हैं कभी स्कूल के कभी लोकल लेवल पे कोई ना कोई एंड वहाँ पे एज ए पार्टिसिपेटर मी कि ये करने में मुझे लोग रिस्पॉन्ड करते हैं लोगों को अच्छा लगता है मुझे गाना चाहिए तो मैं और गाने लगी एंड फिर रियलिटी uh, शो तो तब हुआ जब मैं हुई चौदह साल की अच्छा फोर्टीन की एज पे वॉइस ऑफ इंडिया में अब ओके सो वो एक्सपीरियंस कैसा था बिकॉज Uh, आप काफ़ी यंग थे और यंग एज में कई बार आप जब बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जाते हैं तो समटाइम इट कैन अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ कई बार आप बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस कर सकते हैं लोगों की एक्सपेक्टेशन का तो डिड यू फील दैट कि उस उम्र में आपने फील किया या फिर प्रॉपर सपोर्ट था आपको सपोर्ट तो बहुत ही ज्यादा था एंड मेंटल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा था फ्रॉम माई मॉम एंड डैड द मोस्ट एंड हमेशा ही रहा है सो so, इट वॉज़ नॉट ए डिफ़िकल्ट थिंग फॉर मी टू रिकोगनाइज एज बिहेवियर एंड लोगों का एक्सपेक्टेशन मुझसे ये भी मैं बहुत यूज थी क्योंकि जब आप बहुत जल्दी से गाना शुरू करते हो ना तो मान लीजिए आपने पहले पाँच कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया और पाँचों में आप जीत गए तो अब जब सिक्स टाइम वेन यू गो टू कम्पीट आप खुद भी जानते हो कि सब चाहते हैं कि आप जीतें आप चाहते हो कि आप जीतें आपको उसकी आदत हो गई है

बट तब तो बहुत ही ज्यादा क्योंकि तब भी आई बिकेम अ विनर हर एपिसोड में उस समय ऐसा था उसका फॉर्मेट ऐसा था उस शो का कि आप आ, आपको एक फेरी लैंड होगा या तो स्केरी लैंड होगा मैंने स्केरी लैंड में अगर आपने कुछ अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है लोगों का आ, वोटिंग के हिसाब से अगर आपको प्यार कम मिला है तो आप स्केरी लैंड में चले जाएंगे और आपको यू लेव टू प्रूव योरिट इन जोन करेक्ट और हम कभी गए ही नहीं डेंजर जोन में हमेशा मैं फेरी लैंड फेरी लैंड फेरी लैंड तो मेरी कहानी तो फेरी होगी कहानी और मैं कभी आई ही नहीं हूँ जब इतनी आई एम वेरी परी हूँ मैं इन माई रियल लाइफ सो तब भी आई डेंट रियलाइज़ इट एंड आई थिंक यू आई ओनली रियलाइज इट वेन आई आई एटीन और ट्वेंटी कि तब थोड़ा ज़्यादा समझने लगी थोड़ा ज़्यादा मैं खुद भी चीज़ों के साथ डील करने लगी अंटिल देन आई हैड मॉम एंड आई हैड आई स्टिलो कैसे डील करना है सो दिसव इट स्टार्ट शो का क्या था की जब आप ये कॉम्पिटिशन वगैरह जीत गए आपको मीडिया वगैरह आता है So and you were too young at that point of time. Yeah. So how well you were able to handle that? kya wo kuch bhi aisa lagta tha ki it's too much limelight or something? Ah, uh, not really. Because मैं uh, actually मैं reality show में आई उससे कहीं पहले से मैं live shows perform करने लगी थी. So getting there on stage and singing in front of two thousand people was normal for me. तो जब पहली दफा द रियलिटी शो मैंने परफॉर्म किया तो वैसे ही लगा कि जैसे मैं हमेशा करती हूँ हाँ ये एक चीज चेंज हो गई लोगों को ऑटोग्राफ्स चाहिए थे तब सेल्फीज नहीं थे फोन ही नहीं oh, थे तो 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 सेल्फीज नहीं, नहीं, नहीं थे लेकिन लोगों को जब भी ऐसे लोग कैमरा लेके छोटे वाले सोनी के कैमराज लेके सब आते थे एंड पीपल वाइक की हमें फोटो लेनी है हमें फोटो लेनी है एक्साइटमेंट ऑफ पीपल है आई वॉज़ रेकग्नाइज ऑन द स्ट्रीट अगर मैं चल के कहीं से जा रही हूँ अगर मैं दुकान में चिप्स का पैकेट भी लेने गई थी तो मुझे लोग पहचान रहे थे सो दैट वॉज डिफरेंट एंड आई थिंक वो बहुत क्रूशल था क्योंकि जो मुश्किल था वो ऑलरेडी आसान हो चुका था लेकिन जहाँ से प्रॉब्लम हो सकती थी उस चीज़ को मेरे पेरेंट्स ने और मेरे दोस्तों ने बहुत अच्छे से डील किया इज़ समथिंग आई थिंक आई ओ इट टू दैम कि उन्होंने कभी भी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैंने कुछ अचीव किया भी है दुनिया चाहे कुछ भी बोले लेकिन आपके घर वाले जब आपको ज़मीन पे बैठा के रखते हैं ना तब आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं जगह तो यही है हम चाहे कितना भी उड़ लें लेंट इज वेरी इट्स वेरी क्रुशल क्योंकि जब लोग आपको रास्ते पे पहचानने लगेंगे तो फिर बी लाइक अरे अब तो मुझे सब पहचानते हैं अब तो आई एम दिस आई एम दैट सो दैट डिडंट हैपन बिकॉज दे ऑन है आप हो क्योंकि इनका प्यार है आप हो क्योंकि इन्होंने आपको पसंद किया है सो so, आप समझ रहे हो कि आप बहुत कुछ महान हो लेकिन आपकी महानता आपके घर में कुछ नहीं है आप चाहे कितना भी अच्छा गा लो अगर कोई सुनेगा नहीं तो क्या करोगे सो इट्स जस्ट उनका प्यार है और उनका आशीर्वाद है हमेशा उनके गुड विशेस हैं ट्रू तो आप हैं आई थिंक दैट इज वेयर एक अच्छी पेरेंटिंग का रोल आता जी. है आपके वो, वो आपका माइंडसेट शेप करने में अदरवाइज बहुत से लोग कम एज पे जब सफलता मिलती है जी. तो कहीं ना कहीं उनके हेड पे आती है वो और वो जो कमाया होता है वो लूज कर देते हैं अभी रिसेंटली आई थिंक मैं नाम तो नहीं लूँगा बट किसी सिंगर को मैं देख रहा था वो वापस रियलिटी शो में आए और एक टाइम पे उनका बहुत नाम हो गया था शोज कर रहे थे फिर गिर गए और अब सब कुछ खोने के बाद में फिर से शुरू कर रहे हैं और इट्स लाइक दैट सो इवन ही हिमसेल्फ़ सेड दैट कि कई बार सक्सेस आपके सर पे चढ़ जाती है तो वो बहुत आई थिंक यू आर ब्लेस दैट यू हैड दोज़ पेरेंट्स अराउंड यू हुर कीपिंग यू काम सो आफ्टर दैट कि आप सोलो परफॉर्म कर रहे हैं और रियलिटी शोज़ में हैं और हर एक व्यक्ति का एक वो जो ट्रीम रहता है कि प्लेबैक में मुझे आना है तो क्या वो सपना था और उसके लिए क्या स्ट्रगल रहा मुंबई आना हुआ कैसे वो दिन थे शुरुआती दिन उसके बारे में थोड़ा बताएं बिकॉज आई थिंक मुंबई को सपनों की नगरी बोलते हैं और लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे आते हैं एक सपना लेकर के और आ, वो जो इनिशियल डेज़ होते हैं स्ट्रगल के उसमें कई लोग कीव अप कर देते हैं So, मुंबई जैसे ही आना हुआ मैं गाना बहुत ज्यादा गाने लगी थी एंड जॉनर सिंगिंग राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग तो प्ले बैक जैसे आपने कहा हर एक सिंगर का एक सपना होता है आई डोंट नो क्यों लेकिन कहीं ना कहीं मैं जानती थी कि मेरा सपना प्लेबैक से बहुत बढ़ के है और मैं उसको खुद समझ नहीं पा रही हूँ लेकिन ये क्लैरिटी मुझे थी कि कुछ और है मैं नहीं समझ पा रही हूँ क्या है और अपने हिसाब से वो आएगा एक एक तरह की एंजाइटी भी रहती है कि समझ नहीं आ रहा है ये तो नहीं है लेकिन क्या है लेकिन बिकॉज सब लोग एक बहाव में बह रहे हैं तो आप भी उस बहाव में एक बार कोशिश तो करते हो अपनी जो नाम है उसको डाल तो देते ही हो कि इस समंदर में एक बार देखते हैं कैसे तैरते हैं राइट right. और फिर वो तैरना भी हुआ एंड आई डू हैव सम प्लेबैक सॉन्ग्स टू माई क्रेडिट लेकिन आई बिलीव मुझे इतनी ज़्यादा कृपा मेरे मेरी कला की है मैं आर्ट टू कोवर एंड आई रियलाइज्ड कि मैं प्लेबैक से प्लेबैक बैक तो करें करेंगे ही जब ही आएगा वो करेंगे लेकिन उससे बढ़ के या उससे आगे जाके मैं बहुत और कुछ कर सकती हूँ सो मई आर्ट मेड मी रियलाइज दैट आई थिंक माई माई आर्ट कंट्रोल्स मी ऑफ पीपल डू नॉट वैल्यू दैट बट इफ यू रियली थिंक अबाउट इट योर आर्ट हैज़ इंटेंस पावर ओवर यू इफ यू लेट दैट रूल यू विल जस्ट फ्लो सो i um i call it i am obedient to my art this is something that i follow very 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 religiously and right. on, only because i love it right मुझे इतना प्यार मिला है मेरी कला ने ही मुझे इतना प्यार दिया है कि ये तो स्वाभाविक है कि मैं उसको प्यार दूंगी वापस so true so, so true so it is it is that and coming back to that question that you had asked me, वो बढ़ते-बढ़ते प्लेबैक में से ये रियलाइज होने लगा मुझे कि मैं प्लेबैक से आगे अपना संगीत भी बना सकती हूँ मैं खुद अगर कोशिश करूँगी तो शायद कंपोज़ भी कर पाऊँगी लिख भी पाऊँगी सो वी अबाउट टू एम्बैक ऑन दैट जर्नी ऑल्सो दो तीन गाने मेरे लिखे हुए मेरे कंपोज़ किए हमने ऑलरेडी रिलीज़ किए हैं लेकिन नाउ वी आर अबाउट टू गो फुल फोर्स विथ इट एंड इस साल में तो काफ़ी सारे गाने ऐसे आएंगे कि जो uh, मैंने ही लिखे हैं मैंने ही कंपोज किए हैं एंड नेचुरली आप एक स्टोरी बोर्ड सोच के गाना लिखते हो एक्ट भी आप ही करोगे उस? हाँ मेरे गाने हैं, तो मैं कर सकती हूँ लेकिन एक ये चीज़ है प्लस समथिंग एल्स पीपल डोंट नो येट एंड आई होप स्टोरीज सो एव रिटन थ्री वेब सीरीज एंड दे आर नॉट एनी टू डू विथ म्यूजिक एट ऑल सो इट यू हैव टू गिव योर द अपॉर्चुनिटी टू ब्लॉसम आप अगर किसी बिकॉज सब लोग जो कर रहे हैं जो ट्रेंड में हो रहा है वो करेंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा है आई विल डू वॉट मेक्स मी हैप्पी अगर मैं खुश हूँ अगर मैं दिल से काम कर रही हूँ तो मैं किसी और के दिल तक पहुँच सकती हूँ शायद ज़्यादा दिलों तक राइट right अवे नहीं पहुँच जाऊँगी लेकिन समय जाते इट विल ग्रो ऑन पीपल पीपल विल अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहती हूँ मेरी जबान समझने लगेंगे और फिर वो प्यार भी करने लगेंगे सो so शायद

आज कुछ साल पहले आप शायद एक अलग लेवल ऑफ एवोल्यूशन पर रहते हैं आज आप एक अलग लेवल ऑफ एवोल्यूशन पे हैं सो इट्स गुड टू नो दैट और जैसे राइटिंग स्टोरी टेलिंग तो म्यूजिक एक अलग कला लगती है सिंगिंग एक अलग कला लगती है राइटिंग एक अलग है तो क्या इस ये नेचुरली आ रही है आपको या इसके लिए भी योर लर्निंग समथिंग इज़ इट लर्नेबल और इट इज़ जस्ट समथिंग नेचुरल स्पेशली यू सेड यू हैव रिटन वेब सीरीज एज वेल चलो सॉन्ग लिखना या म्यूज़िक बनाना वो शायद एक दूसरे से जुड़ी हुई कलाएं हैं पर स्टोरी टेलिंग एंड और ये कहीं से सीखा या नेचुरली आ रहा है आई थिंक अगर आपका ढलाव डॉक्टरी की तरफ है कि मैं लोगों के दुख दूर करना चाहता हूँ जी मैं नहीं चाहता कि किसी के किसी को किसी डिजीज की वजह से बहुत ज्यादा सफर करना पड़े या मैं चाहता हूँ कि मैं किसी तरह से इस डिजी, डिजीज को पूरी तरह से इराडिकेट कर दूँ तो ये मेरा नेचुरल ढलाव है टुवर्ड्स दैट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग कभी कभी लोगों को स्पोर्ट्स की तरफ होता है आई थिंक उसी तरह से मुझे क्रिएटिवली इन चीजों की तरफ है एंड वो हर एक इंसान के लिए अलग होता है सो आई डू डेफिनेटली थिंक कि किसी के सिखाने से आप उस चीज को बेहद पॉलिश कर सकते हैं लेकिन उसका ओरिजिन तो आप ही में से होना जरूरी है बीज तो नहीं बीज होना चाहिए फिर आप चाहे धूप दें उसको पानी दें उसको प्यार दें लेकिन बीज ही नहीं होगा तो आप मिट्टी का करोगे क्या तो इट्स दैट यू हैव हैव टू एन ओरिजिन विद इन यू विच इज विच इज वॉट टर्स आउट टू बी योर पैशन लेटर सो दैट्स वॉट आई बिलीव एंड देर इज सो मच टू लर्न सो लाइक यू इट्स एवोल्यूशनरी आज मैं कुछ मानती हूँ मेरे आज के एक्सपोजर uh, की वजह से या मेरी आज की समझ की वजह से या मुझे आज जितना पता है उसके बेसिस पे मैं बोल रही हूँ शायद पांच साल बाद में कुछ और भी बोलूँ फिलहाल मैं ये समझती तो yeah. लगोगी चलिए करते हैं <laughs> <laughs> <Let's do it. laughs> लेकिन वो शायद मुझे uh, किसी के पास बैठ के थोड़ा सा पॉलिश करना पड़े क्योंकि एक्टिंग मैंने सिर्फ स्टेज पे अपना गाना गाते हुए की है एंड गाना इट सेल्फ इज अर्ल्ड कैरेक्टर हांजी तो वो मेरा कैरेक्टर वो गाना है वो गाना ही डिसाइड करता है कि, अच्छा, अपने बाल यू तुम झटकोगे <laughs> या नहीं झटकोगे या सीधी खड़ी रहोगी या रोगी जो भी है ये मेरा गाना मुझे इंस्पायर uh, करता है करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन तो उसमें भी है उसमें भी है, लेकिन वो गाना कैरेक्टर है एक्टिंग में आपको कैरेक्टर डाइवर्सिटी करूंगी अमिका करके आए थे यहाँ पे सिंगर बट राइट नाउ इन एक्टिंग She was in Mirzapur and she's doing good work. Oh, lovely. So she's a very good singer and uh, she's in acting as well. So we were discussing this point there also that somehow one, if you're good in one creative aspect, somehow all these things are deep down related somewhere. And maybe with time, as you evolve, you start connecting with it. As you said, that storytelling, maybe five years earlier or yeah, 10 years ago, Maybe you didn't know that storytelling is also oh, existing definitely. within me. But I now didn't. it is starting blossoming. Yes. Right? Yeah. So any uh, challenge that you have faced in your journey, uh, mostly you said it was a fairy tale, but definitely could set back challenges So how do you deal with challenges? When you face a challenging situation or a setback, how do you deal with that? Well for me I'm so lucky that I have my mom and my dad, who I am extremely close to. तो शायद मेरे आ, लोगों की ज़िंदगी में दोस्त होते हैं या कभी कभी मेन होते हैं मुझे सब कुछ एक ही पैकेज में मिल गया <laughs> कि माँ बाप फ्रेंड कॉन्फिडेंट गाइड पार्टनर इन क्राइम <laughs> कुछ एक ही दो ही इंसानों में मुझे एक पैकेज में मिल गया है एंड जब भी कभी ऐसा लगता है कि थक गई हूँ मेंटली, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टफ़ इज़ हैपनिंग अराउंड यू एंड अ लॉट ऑफ़ टाइम्स थिंग्स डोंट गो योर वे आप बहुत कोशिश करते हो कंट्रोल करने की आप बहुत कोशिश करते हो कि आप अपने आप के भी इतना ज़्यादा ऊपर उठ के उस चीज़ को अचीव करो कि गलती हो ही ना सके लेकिन फिर किसी और के कुछ बिहेवियर की वजह से या किसी और के कोई और डिसीजन की वजह से या तो फिर कभी सिचुएशन ही ऐसी होती है कि जो आके अपने आप को प्रेजेंट कर देती है आपके सामने कि ये देखिए अब हम ये हैं और आप कुछ नहीं कर सकते आप बस देख रहे हो कि ये मेरे साथ हो रहा है एंड दैट्स वेन यू जस्ट सिट डाउन एंड यू समटाइम्स यू क्राई समटाइम्स यू दे कॉल इट टॉ टीयर्स ऑफ स्ट्रेस तो मेरे लिए तो ये बहुत काम लग लगता है कि जब मैं रो देती हूँ तो मैं हल्की हो जाती हूँ फिर मैं आराम से सोच सकती हूँ कि अच्छा ये अब सिचुएशन है इसके साथ कैसे डील करेंगे लेकिन कभी कभी ये स्पेस नहीं होती है कि आप रो तो आप शांत हो जाते हो कि ये सिचुएशन है इसके साथ डील करना है आप खुशी खुशी डील कर सकते हो या आप दुखी दुखी डील कर सकते हो एंड आई हैव ऑलवेज डोजन खुशी क्योंकि मेरा जेनेटिक ही ऐसा है मेरी दादी मेरे मम्मा मेरे पापा मेरे दादा सब लोग जिंदगी में दुख का क्या करेंगे छोटी सी जिंदगी है इतना तो दुख लेके कहा जाएंगे ना दुख साथ आएगा ना सुख साथ आएगा जो है फिलहाल है तो मैं फिलहाल पे कॉन्सेंट्रेट करके गुड आज तो कम से कम सुखी हो कल कल का देखने देख लेंगे आर यू प्रैक्टिसिंग एनी मेडिटेशन और पेरेंट्स ई फ्रेंड्स वी वाइब ऑन द सेम फ्रीकुंसी तो कभी कभी ऐसे ही बात हो जाती है एंड मैं अपना मन हल्का कर लेती हूँ एंड मेरे लिए ये डिस्कशन मैं बहुत पढ़ती हूँ रीडर लॉट सो आई एम एक्चुअली नॉट वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया आई एम रीडर Nice. So, so what, what, what which genre you read, self help or fiction? But I read mythology. Mythology. And I try to see if mythology can have an impact on uh, how we think today. So, let's say for example, I'm reading the Mahabharat, and, kavi Krishna jo khatte hain, मान लीजिए युधिष्ठिर के साथ होती हैं या अर्जुन के साथ होती हैं उन घटनाओं से आप थोड़ा थोड़ा सीखते हो कि अच्छा इसको डील करने का तरीका इन्होंने जो यूज़ किया है इससे शायद ये तरीका बेहतर हो सकता था लेकिन ये वही तो कहना चाहते हैं कि आप अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी की सिचुएशन में सही तरीका ढूंढें हमने जो गलतियाँ की है वो न करें और हमने जो सही किया है वो करें तो इन चीज़ों से आप Bana sakte and this is just one thing. Apart from mythology, I listen a lot. So I listen to a lot of podcasts. And one of my favorites of late is uh, Deepak Chopra. And uh, Chopra is amazing. He's amazing. So i listen to him a lot. And then in different on different days as I feel like it it's either Sister Shivani or it is Devdat Patnayak or it is um maybe sometimes oprah winfrey but this is how my little structure works so this is my way of staying mindful and um, of keeping it sane in a very insane life <laughs> but i like <laughs> it i like the insanity of life so it's okay kwesi example i because we say that music has power to heal yeah. right so do you believe in this and did you get any such your fan or somebody talking to you that sometime music is healing them and you must have contributed in their healing. So if you can share such moment. Two or three times. I have heard these stories. I may be missing out on uh, the correct names. So I won't name anybody. But in life, we imagine people in and उन दुखों से गुजरते समय मुझे बहुत सारी आ, बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला है कि हम आपका गाना सुनते थे तो पता ही नहीं चला कब वो समय निकल गया या yeah, मैं आपका गाना सुन के रो रही थी और मुझे इतना अच्छा लगा कि जैसे यू आर योर वॉइस इज गिविंग मी अ हग इट्स अ वेरी बिग वेरी बिग थिंग फॉर अ पर्सन टू से एंड आई फील एक्सट्रीमली प्रिवेज दिस इज़ माई मोस्ट हम्बलिंग एक्सपीरियंस you know कि अगर मुझे ये शक्ति दी गई है तो मुझे सच में इस शक्ति को सर्वोपरि रख के अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए क्योंकि मेरा शायद पर्पस ये है एंड एज यू said मैंने तो खुद ही एक्सपीरियंस किया है म्यूजिक कैन हील मैं जब रोज़ सुबह रियाज करती हूँ अपना तो कभी कभी ना पिछले दिन की कुछ ऐसी सिचुएशन हो या कोई ऐसा ख्याल हो या कुछ ऐसी घटना हो कि जिसके वजह से आप डाउन फील कर रहे हो आप सही नहीं महसूस कर रहे हो कभी कभी लग जाती है कहीं पे लाइक मुझे लग गया है पैर में एंड मैं गा लेती हूँ मेरे गाने के वाइब्रेशंस मुझे ही, ही हील कर लेते हैं एंड ये मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं बस एक्सपीरियंस कर सकती हूँ ये मेरा है Right. And my healing power for myself. <laughs> so it's beautiful. If you will treat it well and if you will respect it, it has a lot that it can give not only you but the whole world. And I think uh, a lot of people say my superpower is that I'm a woman and my superpower is that I can love or whatever. But my superpower is in the fact that. I was chosen to do a certain job and people see me in a light where I can sit down with them as them and I can find a space in their hearts for myself. That's all that I really want to do. Or I think Kaibar a positive impact. तो कई बार वही आपके लिए एक सबसे बड़ा मोटिवेशन बन जाता है अपार्ट फ्रॉम ठीक है हम सक्सेस चाहते हैं पैसा कमाना चाहते हैं नाम इज़्ज़त शोरत चाहते हैं बट आई थिंक जब क्रिएटिव फील्ड में हम होते हैं जैसे आई टेक वेबिनार्स कोचिंग एंड व्हेन पीपल राइट लेटर्स की ये डिप्रेशन में था ये मेरा क्लियर हो गया मैं सुसाइडल था ये मैं उससे बाहर आ गया तो आई थिंक वो जितना ज़्यादा एनर्जी आप में भर देते हैं आप कितने थके हुए भी, भी क्यों ना हो लेकिन ऐसा कुछ आते ही जो एनर्जी मिलती है आपको वो बहुत पावरफुल एनर्जी होती है बहुत इम्पैक्टफुल है आपका नज़रिया ही बदल देती है कि आप खुद भी कभी सोचते हो ना कि यार मैंने सोचा था कि मैं इस हफ्ते में ये गाना रिलीज़ करूंगी या मैं इंस्टाग्राम पे ये कंटेंट पोस्ट करूंगी या कुछ भी और वो जब नहीं होता तो आप थोड़े से निराश हो जाते हो कि मैंने सोचा था मैंने सोचा था हम बहुत सोचते हैं और फिर कोई आके आपको कह जाता है कि आपने वो कुछ किया था या वो जो गाया था उससे मेरे जीने का अंदाज चेंज हो गया मैं रिजूवनेट हो गया और मुझे एक नई दिशा मिल गई कि मैं यूं भी सोच सकता हूँ या सच सोच सकती हूँ एंड यू जस्ट गो लाइक कि मैं खाम खा अपने आप को एम बीटिंग माई सेल्फ अप फॉर द रॉन्ग रीजन्स दर इज़ अ लॉट मोर एंड लॉट बियॉन्ड वॉट आई डोंट सी एंड इट्स टाइम दैट आई स्टॉप थिंकिंग अबाउट मैं

कॉस्मोस को देख लें जितना बड़ा इनफाइनाइट यूनिवर्स है और इस यूनिवर्स में वी आर जस्ट स्पैक ऑफ डस्ट बट वी आर कॉन्शियस स्पैक ऑफ डस्ट एग्जैक्टली अगर हम अगर हट जाते हैं तो यूनिवर्स के नॉट वैलिडेट इट्स एग्जिस्टेंस द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्शियस बींगस सो इफ इफ दिस कैमरा इज देअर दिस कैमरा के नॉट वेलीडेट इट्स एग्जिस्टेंस it is dependent on observer right. for its validation that's true but we as a conscious being especially self-conscious even if we remove the entire world even if you alone there still you can validate that you exist yes your existence is not dependent on anyone else validation so other, yes speck of dust we are in physical form storm we are physical form we are a speck of dust in terms of time we are a spec because uh, 14 billion years old universe is there and we are just here for 60, 70 years. years yeah. it's not even a blink of an eye. but in that context, we are uh, We are spec. but in terms of exploration, we are able to find the we secrets of the universe, how universe came into existence, how it is going to end, how life is being created. that is what we are able to so. Bale फिजिकल एस्पेक्ट में छोटा रखा मगर इसी यूनिवर्स ने हमें इतनी ताकत दी कि हम उसे एक्सप्लोर कर पाए उसका भविष्य जान पाए उसका पास्ट जान पाए और कई बार तो ऐसा लगता है कि यूनिवर्स इज डूइंग सेल्फ रिफ्लेक्शन थ्रू अस ओ या तो कहीं ना कहीं हमारे थ्रू ही वो सेल्फ रिफ्लेक्शन कर पाती खुद को जान पाती है अदरवाइज इफ कॉन्शियस बींग्स आर नॉट देयर यूनिवर्स के नॉट नो इट तो आई थिंक यूनिवर्स इज इन सेल्फ डिस्कवरी थ्रू अस दिस इज हाउरेफलिप्ट जब क्रिटिसिज्म आता है हाउ डू यू हैंडल दैट बिकॉज प्यार ब्लेसिंग्स ये सब हमें मिलते हैं लेकिन एक और एस्पेक्ट रहता है कई बार जब आप पब्लिक डोमेन में होते हो तो कहीं कोई कंट्रोवर्सी बन जाती है या फिर कहीं कोई क्रिटिसिज्म आजकल तो सोशल मीडिया पे तो इतना ज़्यादा है कि आप थोड़ा भी कुछ कर दो तो देर आर पीपल हो आर रेडी टू ट्रॉल और रेडी टू क्रिटिसाइज यू ठीक है भले आप एक सिंगर हो

एक तो उन लोगों से आता है कि जो आपके बहुत करीब हैं, जो आपके आसपास हैं, जिनका आपसे आपके और बेहतर करने से नाता जुड़ा हुआ है उन लोगों का क्रिटिसिज्म इसलिए है क्योंकि वो सच में चाहते हैं कि आप बेहतर बने आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप आगे बढ़ें तो उनका क्रिटिसिज्म एक तरीके का होता है कंस्ट्रक्टिव है फीडबैक नेचर का है चाहते हैं तुम्हें उड़ते हुए और तो क्रिटिसिज्म हो गया जिसके साथ नेचुरली कोई भी इंसान वैसे ही डील कर, को करना चाहिए कि ये मेरे अपने हैं और इनसे बेहतर मेरा हित कोई सोच नहीं सकता ने? तो ये जो कह रहे हैं इसको समझे एनालाइज करें एंड फिर देखें कि किस हद तक आप इसको इम्प्लीमेंट कर भी सकते हैं कब करना चाहते हैं तुरंत तो न भी करें बाद में करें लेकिन जहन में रखें दूसरा क्रिटिसिज्म होता है इज आउट ऑफ जेलसी वो नहीं कर पा रहे हैं या फिर उन्हें आप इन जनरल अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि आप उनके रास्ते में हैं उनको ऐसा लगता है <laughs> लगने वाले को कुछ भी लग सकता है हाउ आई डील विद इट इज आई जस्ट से गॉड ब्लेस यू थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू आई रियली होप कि एंड दिस इज फॉर टू पीपल एक तो ये जलस वाले क्रिटिसिज्म वाले लोग और दूसरे की जो खुद बहुत दुखी हैं लेकिन जानते ही नहीं हैं कि वे दुखी हैं तो जब वो अपना दुख नहीं देख सकते हैं वो अपने दुख को गुस्से से या क्रिटिसिज्म से रैंडम रैंडम ट्रोलिंग से करते हैं आप, क्रिण... जानते भी नहीं है हाँ। सोशल मीडिया पे आके वो, वो लिख देंगे उनको बस खुशी इस बारे में मिलेगी कि हमने आपको ट्रिगर किया मैं अकेला क्यों ट्रिगर हूँ आप भी हो मेरे साथ ट्रिगर सो दिस इज दैट तो वो भी दुखी है ये जेलस लोग भी दुखी है उनको मैं बस ये कहूंगी ईश्वर आपके दुख को दूर करे जल्दी से मेरा चाहे होना होगा वो होगा मैं अपना मैनेज कर लूंगी लेकिन आप खुश रहिए आपको प्यार की ज़रूरत है आई होप अगर मुझसे नहीं तो कहीं और से आपको प्यार मिले ताकि आप खुश हों सो देर इज़ दैट एंड देन देर इज़ द क्रिटिसिजम ऑफ पीपल हु हैव डन द जॉब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम सो अगर कल को किशोरदा के दरजेगा कोई इंसान आके मुझे क्रिटिसाइज़ करेगा तो उनका तो हक ही है कि वो मुझे क्रिटिसाइज़ करे उनको कोई ज़रूरत नहीं है ना उनको कुछ फ़ायदा होगा मेरे बेहतर गाने से ना उनको जेलसी है मुझसे न उनको कोई फ़र्क पड़ता है कि मैं गाना गाऊं भी कि नहीं लेकिन उनका हक है कि ये ग़लत हो रहा है और मेरा ये हक है या तो शायद उनके नज़रिए से उनका ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुझे बताएं कि आप ये गलत कर रही हैं आपको इसका जो करना है वो आप कीजिए लेकिन ये आप ग़लत कर रही हैं तो ये मेरे हिसाब से तीन तरह के क्रिटिसिज्म होते हैं लवली और, और इनके साथ तीसरा वाला तो एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट भी है हाँ कि आपने <laughs> मुझे नोटिस किया <laughs> तो इट्स दैट uh, इससे ज्यादा बढ़ के कोई क्रिटिसिज्म अगर है तो मुझे प्लीज सिखाएं और um, शायद क्रिटिसिज्म यू आर सॉर्टेड इन दैट यू हैव योर मैकेनिजम्स टू कोप विद देम यू आर गोइंग टू मूव ऑन यू आर गोइंग टू बी फॉरगॉटन और रिमेंबर्ड यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट there is in fact no control over anything we are fussing about nothing and yet here we are and we have the power to fuss so <laughs> i'm going to fuss about goodness happiness kindness achkal ki generation ka jo music wo a shift music evolve in our country just the decade recently rapping industry both तेजी से ग्रो कर रही है इंडिया के अंदर सो so, आप भी कोई रैप लिखती हैं या फिर आप उस एस्पेक्ट को किस तरीके से देखती हैं मैं लिखती हूँ रैप एंड मेरा गाना रैप वाला रिलीज भी होगा कुछ ही समय में ओके okay. लेकिन मेरा रैप थोड़ा डिफरेंट है इट इज इट्स got a little aspect of singing to it एंड इट्स मोर लाइक अ स्पोकन सॉन्ग तो रैपिंग के बारे में या फिर आजकल के संगीत के शिफ्ट के बारे में फ्रेंकली मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि ये क्यों हो रहा है कहाँ से हो रहा है एंड इसके होने की इतनी भी क्या जरूरत है कि हम डिंकटिव इसको आप पॉजिटिव शिफ्ट देखते हो या फिर

आर्ट से ज़्यादा इंजीनियरिंग लगती है, और so, मुझे वो एपिसोड याद आ जाता है कि जब युधिष्ठिर राजा विराट के महल में उनको बार बार कुछ ज्यादा ही सच बोल लेते हैं और फिर एक धा चांटा लग जाता है उनके चेहरे पे <laughs> जो राजा विराट अपनी विराट में आके थक जाते यार तुम्हारा सच नहीं सुनना है मुझे तो मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा सच दुनिया को नहीं सुनना है क्योंकि मेरा सच बहुत से ऐसे सचों को क्वेश्चन करेगा कि जो शायद सच ही नहीं है तो जिसको लोग म्यूजिक कहने लगे हैं शायद म्यूजिक की परिभाषा ही कुछ बदल गई है जो समझने के लिए मेरा एजुकेशन इनफ नहीं है तो जिस चीज़ को मैं समझ ही नहीं सकती उस चीज़ के बारे में मैं कमेंट कैसे करूं तो उस संगीत को मैं संगीत की तरह नहीं देख सकती ये शायद मेरा ड्रॉबैक है मेरा इतना ही नज़रिया है क्योंकि जो मैं सच में संगीत सीखी जानी समझी हूँ और जिसको मैं संगीत की तरह रेकग्नाइज कर सकती हूँ वो मेरे मेरे आसपास मैं बहुत ज़्यादा देखती नहीं हूँ आजकल और अगर कोई चीज़ पसंद हो रही है तो शायद ऐसा कुछ है कि जो मैं सच में समझ नहीं पा रही क्योंकि लोग तो पसंद कर ही रहे हैं वो मिलियंस हिट मिल ही रहे हैं उस गाने को दे आर मेकिंग द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट दे नेवर एक्सपेक्टेड टू मेक वैन दे प्रॉब्ली मेड दैट म्यूजिक एंड देर आर सो मैनी आर्टिस्ट्स की जिसको लाइक आई सेट अबाउट म्यूजिक मैं नहीं समझती इसको आर्ट कह सकते हैं एनी थिंग एब्सट्रैक्ट के नॉट बी आर्ट समटाइम्स इट्स केयस बट नॉट एवरीबडी इज अलाउड से दट इट्स एन नॉट एवरी बॉडी हैज़ द वो क्रिटिकल जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू कह रही थी जो तीसरा क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू था कि आपका उतना ऊँचा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए काम में कि आप बोल सके कि ये गलत है तो मैं अपने आप को नहीं समझती कि मेरी इतनी समझ है मैं बस ये कह सकती हूँ ये मुझे अच्छा लगता है या मुझे कम अच्छा लगता है अब जिनकी समझ it. है वो क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं और देखें उनकी जो सच्चाई है इस बारे में लेके मैं उसको प्रणाम करती हूँ क्योंकि वो तो ऐसे लेवल पे भी है कि जहाँ वो बोल सकते है लेकिन वो जिस क्लैरिटी से इस बात को प्रेजेंट करते हैं

इवन आजकल आप शूट करने भी जाते हो तो आपको आई थिंक कविता कृष्ण मूर्ति वॉज़ ऑल्सो सेंग दिस कि आप शूट करने जाते हो तो आजकल तो ऐसा होता है कि आपको सुर में भी ज़्यादा गाने की जरूरत नहीं है आपने एक लाइन गा दी दो लाइन गा दी और वो कहते हैं कि अब हम इसको मैनेज कर लेंगे आप इतना गा दें बस सो so कहीं ना कहीं वो जो क्राफ़्ट थी वो जो रियाज था वो जो और इसका एक इम्पैक्ट क्लियरली यहाँ पे भी दिखता है कि मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं बट बहुत शॉर्ट लिप्ड हैं गाने मिलियंस ऑफ व्यूज़ आप देखो तो मे बी बीस दिन पच्चीस दिन, को याद भी नहीं रहता ना बोल याद रहते हैं ना बीट याद रहती है ना सुनने का मन होता है एग्जैक्टली exactly. और वही आप आज लता जी जी किशोर या इवन जावेद अख्तर के भी कई ऐसे गाने देख लें जो लिरिक्स ऐसे हैं कि इवन आप कुछ दूसरा काम भी कर रहे हो कहीं बैकग्राउंड में बच जाए तो आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते नहीं कर सकते देवर लॉन्ग लिव यही तो सच्चा अवार्ड है चाहे कितने भी अवार्ड्स अपने यू नो शेल्फ पे लगा दे कि मेरे पास पचास फिल्म फेयर हैं या मेरे पास नेशनल अवार्ड है या मेरे पास कोई भी अवार्ड है आपका सच्चा अवार्ड तो ये है कि आप सुर में हैं लय में हैं आपकी ज़िंदगी भी सुर में और लय में है और लोग उस सुर ताल को पहचान के उसको एन्जॉय करते हैं और

जब आप उस आर्ट को नरिश कर रहे हो तलाश रहे हो क्योंकि आप तो जानते ही हो राइट एग्जैक्टली राइट तो जो डीपर फुलफिलमेंट है दैट इज देयर जो कि शायद इंजीनियरिंग में नहीं है हाँ. आप इंजीनियर करते हैं आई हैव सीन एक्चुअली ना मैं उस पे भी डिफर करती हूं बिकॉज़ आई ग्रो अप अराउंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट फील्ड्स ऑफ वर्क जी माय फादर इज अ डिजाइन इंजीनियर एंड उन्होंने अभी अभी अभी, अभी इसी हफ्ते एक लाइन ऐसी मशीन की ट की है जो उन्होंने खुद डिजाइन की है फ्रॉम स्क्रैच अ ड्राइंग एंड इट इट बिकम्स इस मैसिव मशीन रूम से डबल साइज का मशीन है तो वो मशीन बनाते बनाते उनको डेढ़ साल लगा है टू मास्टर इट टू परफेक्ट इट एंड द एक्साइटमेंट दैट ही हैज अबाउट दैट क्रिएशन इज

जब आप रियल स्टेज पे जाते हैं तो आप वहाँ नहीं गाते हैं वहाँ पर तो बैकग्राउंड में कुछ चलता है क्योंकि वहाँ आपने गाया तो आपकी वॉइस सामने आ जाती है सो दे आर नॉट एबल टू सिंग दे आर एबल टू सिंग इन स्टूडियोज बट दे के नॉट सिंग इन फ्रंट ऑफ इनपल आई थिंक वो तो उन्हें वो तो जानते ही हैं मे बी ऑडियंस काफ़ी सारी है जो ये नहीं जानती बट वो तो जानते हैं इस चीज़ को कि आर्ट पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं हुई है उनके अंदर विकसित नहीं हुई है आप uh, उस वॉइस को इंजीनियर करके बनाते हैं और फिर वो गाना हिट कराते हैं बट आपकी खुद की तराशी भी नहीं है आपका रियाज नहीं है आ, लोगों को पसंद आ रहा है बट डू यू थिंक दैट दिस इज एथिकल आई एथिकल

मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये स्विच बोर्ड ऐसा क्यों बनाया गया है मैंने गूगल कर दिया एंड मुझे एक मिनट में उसके लिए जितनी चाहिए उतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हम नॉलेज के बारे में तो भूल ही गए हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब दो मिनट में मैगी अब भी जानना है दो मिनट में मैगी चाहिए बीस मिनट में पिज्जा चाहिए दस मिनट में ब्लिंकेट होना चाहिए 2020 का क्रिकेट मैच होना सब कुछ जल्दी <laughs> चाहिए चाहिए जल्दी ठीक है तो सेकंड की रील होनी चाहिए तो जी जी भी जल्दी ही लो ना ना <laughs> इतना जीते क्यों <laughs> तो जीना बहुत बहुत लंबा है लेकिन में बहुत कुछ जी लेना है है लेकिन ज़िंदगी में कुछ लेना जो पहले हम नहीं कर पाते थे शायद उस सब का ना एक डीएनए कि अब चाहिए जैसे मैंने आपको कहा मैंने लिखे हैं कंपोज किए हैं कुछ एज सिंगर्स रिलीज करने वाले हैं कुछ हम एज एन एल्बम रिलीज करने वाले हैं उनके साथ साथ उनके वीडियोज नेचुरली के बाद एक रिलीज करेंगे एंड इस साल आई एम अबाउट टू डू Two very very big tours. One is an India tour of my Bollywood singing genre. Okay. i in many genres. Yes. This is my Bollywood tour, which we are going to be doing in May, mostly April May. And um, I'm also going to be doing a world tour of uh, Garba, wow. which is going <laughs> to go across five continents. री मच लुकिंग फॉर्वर्ड टूट एंड ये ये फिलहाल इस साल का मेरा बिग प्रोजेक्ट है तो मेरे गाने मेरा गाना ब्यूटिफुल सो नाट्स मूव टू द रेपिड फायर लेट्स वेरी मच चलिए अर्ली बर्ड या नाइट आउल अर्ली बर्ड एक आदत जिस पर तुम्हे गर्व है

जो मैं रियाज में सबसे ज्यादा गाती आई हूँ और गिवन अ चांस और चॉइस में वही गाऊंगी वो है राग अहिर भैरव जो मैं हर सुबह गाती हूँ तो एक बार थोड़ा सा हमें भी सुना दो दर्शक खुश हो जाएंगे हे न इसमें बहुत फेमस बंदिश है अलबेला सज्जन आयुरी okay. लेकिन मेरी सबसे पसंदीदा बंदिश है आज तो आनंद आनंद पूरन ब्रह्म सकल घट सो आयो ग्रिया आज तो आनंद आनंद

70s okay the May from today or um barmanda and uh, i want to be there with gulzar sahab so Kulzar this sahab. is the combination the so them and me from the 70s dream collaboration if you could collaborate with any artist in the world who would it be miley cyrus i love her music um to some extent, Bruno Mars. I want to do something with Bruno Mars. That would be nice. And uh okay. I wish I had to That would have been a dream. Singing for me. Actually, more been singing, I just wanted to be there. Like I just want to be a part of your life. I wanna be your friend. I don't know, your pick. But I I want to be there. And collaboration otherwise would nothing fancy, just I want I want to do more and more music. So let's just let's do good music. That's it. What is one popular music trend you just can't get behind? To me it's a trend. It may not be a trend to the rest of the world, but it's um, I love American jazz. फ्राम द फ्राम दिक्सटीज से संगीत बनाने या परफॉर्म करने से आपके मेंटल वेलबींग well पर क्या असर पड़ता है बहुत गहरा और प्यारा असर पड़ता है मैं ख़ुद को अलग अलग अवतार में तराशती हूँ एंड मैं बहुत सीखती हूँ बनाते बनाते ही और मैं खुशी की एक ऐसा की एक ऐसी अनुभूति महसूस करती हूँ कि जो शायद आ, बहुत चुनिंदा लोगों को ये खुशी महसूस करने का मौका मिलता है एंड मैं सिर्फ थैंक यू बोल सकती हूँ बड़ा बड़ा लिख लिख के बार बार कि ये अनुभूति मुझे मिली okay. और मिलती रहती है right. ये इट्स अ होल डिफरेंट एक्सपीरियंस बी एबल टू नॉट जस्ट सिंग

जिन्होंने अर्ली एज में सफलता पाके डिप्रेशन के थ्रू गुजरे एंड देन मेनी कमिटेड सुसाइड एज वेल सो व्हाट डू यू थिंक इज नेसेसरी फॉर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इन म्यूजिक इंडस्ट्री आई थिंक वी नीड टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस वी रियली नीड टू चेंज दैट अगर हम उसका मेरी सेजस सही ट्रांसलेशन uh, है वो समझे तो सफलता वैलिडेशंस से नहीं होनी चाहिए सफलता लोग कितना आपका गाना सुनते हैं उस पर बेस्ड नहीं होनी चाहिए जो कॉरपोरेट जब से संगीत की दुनिया में आ गया है तब से वो नज़रिया लोगों का होने लगा है लेकिन आई थिंक इट्स वे बियॉन्ड दैट सफलता होती है मन की शांति जब आपको कुछ गा के फुलफिलमेंट मिलती है कुछ लिख के फुलफिलमेंट मिलती है कुछ बना के आप अपने आप से सुखी होते हो कि मैंने अच्छा काम किया है ये मेरी सफलता है और ये जब तक हम मीनिंग नहीं बदलेंगे शुरू से बचपन से जब से मैंने ये सक्सेस वर्ड सुना है ये तब से ही जब कोई बोले सफलता तो मेरे मन में ट्रांसलेशन उसका होना चाहिए मतलब मैं खुश हूं nice. लेकिन हम लोग सफलता के साथ प्रेशर एंजाइटी अचीवमेंट एम्बिशन इन सबका जो क्यूम्यूलिटिव रस है वो घोल देते हैं और भूल जाते हैं कि सच में सफलता का मतलब ही नहीं है ये कुछ और आप तभी सच्चा सुख पा सकते हैं सफलता में जब आप सफलता का सफलता की परिभाषा बदल देंगे बदल देंगे beautiful. तो ये एक बड़ा चेंज है अगर हो गया तो सब खुश